see you, man. आशीर्वाद दो, हाथ रखो, हाथ रखो उसके सर पे, हाथ रखो, दुआ दो। प्रोग्राम चल रहा है आपका, कुछ बताएंगे मकर संक्रांति? पहले तो मेरे सारे भारतवासियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई भाई, और आज मकर संक्रांति के अवसर पर आज हम जो हमारी बहनें हैं और माताजी हैं, हम आज कंबल वितरण करने जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है और ये मिठास होता है, जैसे रेवड़ी मूंगफली होती है, तो हर किसी इंसान में वो मिठास होनी चाहिए। और आज हम ये कंबल जो वितरण करने जा रहे हैं, जो हमारी बहनें हैं, हम साथ में मिलकर करने जा रहे हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं, हम उनको दान देना चाहते हैं जिनके पास में वो नहीं होती है। और सर्दी का मौसम है, ये एक बहुत अच्छा नेक काम है। इसलिए किसान आंदोलन पे कुछ कहेंगे इस मौके? हाँ जी, जरूर, क्यों नहीं है। किसान आंदोलन देखिए, आज पूरे बॉलीवुड की तरफ से मुझे बहुत निराशाजनक लग रहा है, बहुत ही लग रहा कि एक संवेदनशील मुद्दा होने के बाद में कोई भी किसानों के हित में बॉलीवुड की तरफ से नहीं बोल रहा है। लेकिन मुझे किसी का डर नहीं है, मैं बॉबी कुमार, आज मेरे जितने भी किसान भाई दिल्ली आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में बैठे हैं और भूखे प्यासे बैठे हैं, उनके न्याय के लिए ये फेस्टिवल पे हम यही कामना करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले और वो अपने घरों को वापस जा सके परिवार समेत, और उनकी खुशहाली के लिए, उनके न्याय के लिए आज ये कंबल वितरण करने जा रहे हैं। तो अपने परिवार से आप कैसे मनाते हैं लोहरी और मकर? देखिए, हमारे हरियाणा पंजाब में ये त्योहार बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। रात को हमारे यहाँ पे जो होली की तरह लकड़ियों का एक बहुत वो चीजें बजता है और साथ में रेवड़ी या मूंगफलियां डांस करते हैं। हरियाणवी पंजाबी कल्चर बहुत प्यारा होता है, वहाँ पे कलरफुल कपड़े पहनते हैं, उसके बाद फेस्टिवल डांस गाना भी होता है, तो बहुत अच्छा मनाया जाता है हरियाणा पंजाब में। और जो किसानों की जो फसल होती है, इसके बाद कहते हैं कि उनको नया कुछ जिंदगी में होता है, वो फसल को चढ़ा के तो इसका पूजन करते हैं। तो आपने किस तरह से मनाएंगे? देखिए, आज सबसे पहले हमने ये लड्डू और ये तिल के लड्डू हम लोग लेकर आए हैं और ये हम लोग आगे बांटेंगे, और ये हमारी बहनें और हमारे हैं, ये हमारे साथ में हैं, तो ये हम चाहते हैं कि ये मिठास हम लोगों में बांटें। हम लोगों की कड़वाहट नहीं चाहिए, हमें मिठास चाहिए कि जबान पर हमेशा हर किसी इंसान की हमेशा मीठा ही होनी चाहिए। किसी को बुरा शब्द मत बोलिए, अच्छे शब्दों से हम चाहते हैं कि शुरुआत हो सके। और कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। प्रोजेक्ट के बारे में देखिए, अभी मेरी खुशियां अधूरे आंचल की और सोलम सुशांत भाई पे मैंने एक एल्बम बनाया था जो आज की डेट में 6 प्लेटफॉर्म पे चल रही है। MX प्लेयर है, मूवी फ्लिक्स है, सी प्लस है, एयरटेल है, की प्लस है, और 770 फ्लिक्स पर ये सब चीज़ें चल रही हैं। और मेरे अपकमिंग जो मेरी ब्रिड फिल्म है वो भी तैयारी चल रही है उसकी भी रिलीज करने की। और साथ में जो अपकमिंग प्रोजेक्ट पर जो काम चल रहा है वो है रेड लाइट की हीरोइन, एक वेब सीरीज है, और दो हरियाणवी एल्बम लचक मलंग जिसके राइटर हैं महावीर कश्यप जी, और लाजवंती एक शॉर्ट फिल्म पर, ये मेरे आगामी प्रोजेक्ट। थैंक यू।